बराला विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हम लोगों से उनकी राय जानेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कि उनकी दिक्कतें, उनकी समस्याएं क्या है और कितनी हल हुई हैं, इन सब चीज़ों पे हम उनसे बातचीत करेंगे। जानते हैं कुछ और लोगों से उनकी राय कि जो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव की लहर है वो किस पार्टी के किस उम्मीदवार की तरफ जो है वो जा रही है। तो जनता से बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार जो है वो किसका पलड़ा भारी रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का, मतलब सीधे भारतीय बीजेपी का पलड़ा भारी। जी हाँ, कमल पे ही मोर लगाएंगे हम लोग, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। मतलब आपने वो पिछले दो बार से आप जीतती आई है, तो इस बार आपको नहीं लगता कि मेरे ख्याल से ये एक ऐसा दीमक है जो हमारे देश को लग गया, और कहीं ऐसा ना हो कि इसका नुकसान आने वाले फ्यूचर में बच्चों को भी हो जिनको मुफ्त की खाने की आदत पड़ जाए। तो बेटर ये है कि मेहनत, हमारा देश को इस टाइम डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ना कि मुफ्त की। कम से कम 15 साल 20 साल हमारे लोगों को कंटिन्यूस दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है, ना ये मुफ्त की। अगर मुफ्त की आदत पड़ गई तो हमारा देश कहाँ जाएगा, ये और हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाएगा मुफ्त की खाने से। इसलिए हमें बीजेपी को ही जिताना है। मोदी है तो सब कुछ है। तो आप बस में सफर करती हैं? नहीं, अगर हम कमा रहे हैं तो टिकट भी ले सकते हैं। मतलब आप टिकट लेके आप जो केजरीवाल के मुफ्त का लुत्फ नहीं उठा रहे? नहीं, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं। हम पहले भी बस में जाते थे, ऐसी बात नहीं है, पहले ही बस में जाते थे, अभी भी बस में जाते हैं और मेट्रो में भी जाते हैं, दोनों में जाते हैं और पे दोनों जगह कर रहे हैं। ये नहीं कि पहले नहीं कर, अब 60-70 साल के हो गए, पहले ये थोड़ी कि मुफ्त में जाना ही तो अब बस में जाने शुरू करें, मुफ्त में पहले भी जाते थे, पहले ही बस में। 4 साल तो कोई काम किया नहीं, अब 6 महीने में सबको फ्री का लालच दे रहे हैं। 3 महीने 31 मार्च तक है ना, उसके बाद सब बंद है। 31 मार्च 4 साल पहले कहाँ था ये? 4.5 साल पहले कहाँ था केजरीवाल? अगर फ्री बात 3 महीने में तो 57 महीने से कहाँ थे? वो सोए हुए थे वहाँ पर, और अब ये 3 महीने ये फ्री बना के पब्लिक को फुल्लू बना रहे हैं। और हम हिंदुस्तान के सेवक हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम गद्दार नहीं है, केजरीवाल गद्दार है क्योंकि वो देश का पैसा फ्री में बांट रहे हैं जो कि हमारी जेब का पैसा है। मोदी है तो मुमकिन है। माता की जय भारत। मोदी है तो सब कुछ है। लेकिन आपने जैसे कहा कि जो मोदी जी है वो पहले कहते विपक्ष, तो केजरीवाल जी कहते हैं कि विपक्ष उन्हें काम नहीं करने देता है, तो शायद उन्होंने 4.5 साल इसलिए काम ना किया। और अब क्या विपक्ष ने अभी ये कहा था कि बस फ्री कर दो? मैडम, केजरीवाल से झूठा बड़ा कोई आदमी नहीं है। आप बताएं, जब इलेक्शन हुआ था उसने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कोई सेवाएं नहीं लूंगा, मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। आज वो सारी सुविधाएं ले रहा है, उसका हर MLA सारी अपनी नई इनोवा कार में घूम रहे हैं। उसने जब बच्चों की कसम खाई थी कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो कोई सुविधा नहीं लूंगा मैं, आज वही आदमी है जो कि उसका वजन देखो, जब उसने अन्ना के साथ अनशन किया था तो उसका 45 वेट था, उसका आज वो 80 किलो वेट हो गया है। आप ये देखो, खाया तो पैसा उसने खाया है। खैर, वो तो कुर्सी पे बैठे बैठे भी वजन एक जगह बैठे। नहीं नहीं, कुर्सी नहीं, ये सब माल माल उसका काम नहीं। विकास पूछता है ना मोदी से कि विकास किसका? विकास खुद करा उसने अपना। 5 साल पाँच साल सिर्फ अच्छे बीते केजरीवाल के, लोगों के नहीं, लोगों के नहीं बीते। तो मतलब इस बार जो है आप जैसे बीते 5 साल घर जाओ केजरीवाल। अच्छा, आपने नारा बना लिया, उन्होंने तो अपना नारा बनाया कि अच्छे बीते केजरीवाल के 5 साल, और आपने तो इसको अच्छे से जाओ केजरीवाल, जाओ केजरीवाल, हमें दिल्ली की जरूरत नहीं है केजरीवाल को, हमें गद्दारों की जरूरत नहीं है।